जे असी पंजाब दे सभ्याचार नूं ना सांभिया तां एक बहुत वड्डी खराबी होगी। गाणियां दे विच असले नूं इन्ना ज्यादा प्रमोट किया जाता कि जिहड़ियां चीजां दे नाल फिर वारदातां नूं अंजाम दिता जाता, पंजाब दा बहुत वड्डा कारण हो गया। और असी ये जिहड़े भड़काऊ ते अश्लील गाणियां दे लई असी साडी ये मंग है अज दी रैली दे विच कि साडे गाणियां दे उपर सेंसर बोर्ड बने। नशियां तो भी वड्डी समस्या है अज दे गाणे। पंजाब दीआं गुरुआं पीरां दी धरती ते जो सिख्या है ठीक उस तो उल्ट काम हो रहा है। और असी मानते हैं कि पंजाब दे विच जिहड़ा गाणियां दे विच फीम दी प्रमोशन हुंदी है, नागणी दी प्रमोशन हुंदी है, दारू दी प्रमोशन हुंदी है, पैगां दी, और कईआं ने इदां कहता कि जी पैग ते दारू ते कोई नशा ही हैगा। और नशे नूं प्रमोट करन वाले गाणियां दे खिलाफ अज उतरे हैं और एक सेंसर बोर्ड की मंग कर रहे हैं। बंद करो जी, बंद करो, भड़काऊ गाने बंद करो। क्या अपने हुण लेटेस्ट कोई पंज गाने चक लो, कोई ऐसा गाना नहीं होएगा जिहदे च गंज ना हो। और साडी जिहड़ी इह संस्था है युवा परिवार सेवा समिति दे नाम तों साडा संगठन है, और असीं पूरे पंजाब दे विच इस चीज़ के उपर काम कर रहे हैं जिस मुद्दे पर अज आपां इकट्ठे होए हैं। साड़ी अज की रैली का जिहड़ा मसला वह बड़ा ही मैं कहूँगा कि विशेष मुद्दा हैगा, क्योंकि पंजाब दे विच आपां नित वारदातां देखते हैं और नशा इन्ना ज़्यादा देख रहे हैं, पर अगर आप तह ते जाइए तो सब तो वड्डी जिहड़ी उहदी जड़ है वह जड़ हैगी साडे अज दे गाणे जिन्हां दे विच अश्लीलता बहुत ज़्यादा परोसी जा रही है, जिन्हां दे विच गाणियां दे विच असले नूं इन्ना ज़्यादा प्रमोट किया जाता कि जिहड़ियां चीज़ां दे नाल फिर वारदातां नूं अंजाम दिता जाता, पंजाब दा बहुत वड्डा कारण हो रहा। और असी ये जिहड़े भड़काऊ ते अश्लील गाणियां दे लई असी साडी ये मंग है अज दी रैली दे विच कि साडे गाणियां दे उपर सेंसर बोर्ड बने, साडी विशेषकर सेंसर बोर्ड ही मंग है। सरकार भी उपराला कर रही है जी गाणियां दे उपर, गाणियां दे उपर बैन कई कलाकारां दे उपर परचे कीते गए आ। जी बिल्कुल, तुहाडी गल सहमत हाँ, आपां सरकार ने भी इस दे उपर एक्शन लिया हैगा, सरकार इस दे उपर काम कर रही है, लेकिन जिन्ना कु काम होया उस तो भी ज़्यादा होने की जरूरत है, क्योंकि हुण तक जो स्टेटमेंट आई है कि डीजे दे उत्ते गाने इदां दे ना चलन जां इदां दीआं जो भी कारवाइयां होईयां बहुत अच्छा उपराला है, लेकिन जे ये गाणियां दे उत्ते सेंसर बोर्ड होवे कि इदां दी शब्दावली तुसीं उन्हां गाणियां दे विच यूज़ ही नहीं कर सकते जिहदे नाल बहुत ज़्यादा अश्लीलता प्रमोट हुंदी है जां जिहदे नाल नशा प्रमोट हुंदा, सीधा ही गाणियां दे विच अपने नागणी, सीधा ही गाणियां दे विच शराब की गल की जाती है, अगर इहदे ते सेंसर बोर्ड बन जाता तो सारियां समस्यावां दा हल हो जाता। नहीं बिल्कुल जी, सरकार दे कन्नां तक भी जाएगी, और जिहड़ी मेन गल है सब तो पहला जिहड़ी साडी आवाम जिहड़ा साडा यूथ जिहड़ी अज दे साडी आवाम है वह अगर जागृत हो जाएगी तो यह कोई भी वड्डा काम नहीं है। अगर देश नूं आजादी मिल सकती है जिस समय साडे घलाटियां ने यह काम शुरू किया तो उदों उन्हां नूं भी नहीं लगता होना कि यह एडा सौखा कितना काम हो जूगा, लेकिन अज असीं आजाद देश दे विच बैठे हाँ तो जे वह काम हो सकता तो यह भी कोई वड्डा गल नहीं। साडा मकसद असीं आवाम नूं जगा सकीए, घर घर तक साडे एक एक मतलब बंदे तक यह गल पहुँचनी चाहिए है कि यह बहुत वड्डी समस्या हैगी है, नशियां तो भी वड्डी समस्या है अज दे गाणे। साडी अज दी रैली जिहड़ी कंपनी बाग जिहड़ा हैगा अमृतसर दे विच इत्थों स्टार्ट हो के और असीं शहर दे मेन मेन जगह तो घूमदे होए सारे वापस इत्थे ही साडी अज दी रैली दी समाप्ति होएगी। कचहरी चौक वल जाना है, होर भी जिहड़े मेन मेन चौक है, रॉनस रोड है, सारे इदां घूमदे होए इत्थे ही वापसी खत्म होई। युवा परिवार सेवा समिति वालों मैं कुलविंदर सिंह जनरल सकत्तर पंजाब अज तुहाडे मूहरे संबोधन कर रहा है इस रैली नूं लैके। पंजाब बचाओ रैली लच्चर और भड़काऊ गीतों तो पंजाब बचाउण दी मुहिम हैगी है। तुसीं सब ने देखिया होना, मीडिया तो काफ़ी इस चीज़ तो वाकफ हैगा आ कि पंजाबी गायकों की जिहड़ी रवायत हैगी है बहुत माड़ी चल पई है, जिहदे विच हथियार प्रमोट किए जा रहे हैं, बिल्कुल अधनग्न मॉडल पेश कीतियां जा रही ने। पंजाब दीआं गुरुआं पीरां दी धरती ते जो सिख्या है ठीक उस तो उल्ट काम हो रहा हैगा आ, ते उस चीज़ के खिलाफ असीं अज मार्च कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, सड़कां ते उतरन लगे हैगे हैं, और उहदा मुख कारण की हैगा, कहते असीं इन्हां दे गाणियां दे खिलाफ आए हैं।
बड़े लंबे अरसे तो युवा परिवार सेवा समिति नशियां ते काम कर रहा सीगा। एक तीसरा मुद्दा नशा भी हैगा इहदे विच। बड़े लंबे समय तो असीं नशे ते काम कर रहे सीगे और असीं वेख्या कि नशे ते जिन्ना मर्जी काम कर लईए जद गाणियां दे विच जिन्हां गाणियां नूं करोड़ां करोड़ां लोक सुणदे उहनां विच नशा प्रमोट होण लग जाए फिर असीं नशे नूं किद्दां रोक सकांगे। तो उस चीज़ नूं वेखदे होए असीं सोचिया कि पहलां असीं उस चीज़ ते काम करिए जिहड़ी जड़ है इस नशे की। और असी मानते हैं कि पंजाब दे विच जिहड़ा गाणियां दे विच फीम की प्रमोशन होंदी है, नागणी की प्रमोशन होंदी है, दारू की प्रमोशन होंदी है, पैगां की, और कई ने इदां कहता कि जी पैग ते दारू ते कोई नशा ही नहीं है। तो यह सब नूं जिहड़ा कह के प्रमोट किया जा रहा है, यह सब चीज़ों पर नत्थ पाउण दे लई सानूं पहलां सिंगरां दे जिहड़ी रवायत चल पई है उहदे खिलाफ़ आवाज़ चुकनी पएगी, आवाम नूं इकट्ठा करना पएगा और एक सेंसर बोर्ड की मंग करनी पएगी जिस सेंसर बोर्ड दे कोल हर एक गाणा जाए वह बोर्ड चैक करे कि वाकई ये समाज पेश करने योग हैगा। अगर हैगा आ तो फिर ही वह समाज आना चाहिए, कोई रिस्पोंसीबल तो होना चाहिए आ। घट्टो घट आप किसी फड़ तो सकी कि भाई ये गाणा आ किदा गया समाज के। चलो आप भी मानते हैं कि सेंसर बोर्ड बनने तो बाद हो सकता फिर भी एक दो गाने इस तरह के निकल जाए सेंसर बोर्ड के थ्रू भी, पर फिर आप किसी फड़ तो सकेंगे हाँ भाई सेंसर बोर्ड किवें होया, यह होना नहीं चाहिए सगा, आवाज़ तो चुक सकेंगे किसी तक। अज ये अनऑर्गनाइज वे दे नाल जिहड़ा अपनी मर्जी के नाल जिहड़ा मर्जी जो मर्जी लिख के यूट्यूब पर पाई जाता है, जो मर्जी लिख के भड़काऊ तो भड़काऊ शब्दावली पाई जाता है, माहौल खराब किया जा रहा है। तुसीं देखो गैंगस्टरां दे करके किन्नियां मौतां पंजाब दे विच पिछले दिन ही देखण नूं मिलियां, ते ओह मौतां रोकियां जा सकदियां सी जे गैंगस्टरवाद नूं बढ़ावा ना दिता जांदा। ते क्यों ना आपां उहनूं रोकण दे लई प्रयत्नशील होईए सारे असीं यूथ वाले जिहड़े आ, इह भड़काऊ गाणे आ, लच्चर गाणे आ और नशे नूं प्रमोट करन वाले गाणियां दे खिलाफ़ अज उतरे आ और एक सेंसर बोर्ड की मंग कर रहे हैं, एक बॉडी की मंग कर रहे हैं सरकार तो कि वो एक बॉडी बनावे जिस आधार पर हर एक गाना उन्हां दे निगाह हेठ निकल के फिर यूट्यूब पर चढ़े। अगर कोई चढ़ाउंदा आ हुण कुछ कह देणगे यूट्यूब तो जी अमरीका तो चलता आ उते तुसीं रोक किद्दां ला दोगे, तुसीं इस देश का इस पंजाब का अपने सूबे का कानून तो बनाओ। अगर फिर कोई यूट्यूब पर चढ़ाऊगा तुसीं उहनूं सज़ा दिओ, वह फिर पंजाब च बढ़न जोगा तो नहीं रहूगा ना घट्टो घट। इस करके हर एक चीज़ का हल हो सकता है, साड़ी मंशा होनी चाहिए है और इस वास्ते सानू यह भी पता है कि कोई भी सरकार को कानून बनाना होवे तो उहदे वास्ते आवाज़ जिहड़ी है संगत की जनता की नाल लैनी पैंदी है। अज रैली कढ़ के असीं पूरे अमृतसर दे विच जागरूकता फैलावांगे कि इन्हां गाणियां का नुकसान की हैगा आ और बहुत सारे लोगों नूं नाल लवांगे, फिर वड्डे पद्धर से सरकार तक इस मंग पत्र नूं लैके जावांगे। डीसी साहब नाल साडी मुलाकात तय हो चुकी है, उहदा मंग पत्र लैके जावांगे और सरकार को मंग करांगे सेंसर बोर्ड बनाए।